चलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन की ओर, ऑर्गेनिक रिएक्शन। जब कोई केमिकल कंपाउंड क्या करता हो, केमिकल रिएक्शन करता हो, तो उसके बीच में बॉन्ड क्या करता है, टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, तभी क्या बनता है आपका, रिएक्शन कंप्लीट होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जिसका नाम है हमारा बॉन्ड फिजन, यानी कि बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन संभव है, बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या आप रिएक्शन कंप्लीट करा पाएंगे? तो जानेंगे हम लोग किसके बारे में, बॉन्ड फिजन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि ये बॉन्ड फिजन कितनी प्रकार की होती है। ठीक, चलिए बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन, हिंदी में इसको बंध विदलन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बंध विदलन, यानी कि बॉन्ड का टूटना, ये समझ सकते हैं। ये बॉन्ड फिजन बेसिकली दो टाइप का होता है, कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, समझिएगा। पहला टाइप को हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा को कहते हैं हम लोग हेट्रोलाइटिक लाइटिक बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन। क्लियर? यस सर। ये आपके कोर्स में है, समझ पा रहा है ना? यस सर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन के अंदर पे होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दोनों पढ़ना है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए ध्यान से समझिएगा कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन किसको कहते हैं। ठीक, कि यहां पे एक एटम आपका ए है और एक एटम क्या है, बी है। दोनों आपस में क्या किए हैं, बॉन्ड बना के रखे हैं। आपस में दोनों में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। और बॉन्ड का निर्माण कब होता है, जब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होता है तब। ठीक, तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का है, समझ में आया? यस सर। जब ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, मतलब टूट जाए, समझिएगा बात को। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो ए का इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस किसके पास चला जाए, ए के पास, और बी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस किसके पास चला जाए, बी के पास चला जाए। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है, ए का एक इलेक्ट्रॉन मिलता है प्लस बी का एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए यहां पे दोनों ने, जब ये बॉन्ड फ्यूज होता है तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने अपने पास चला जाता है। इस प्रकार का बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। और इससे आपको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। क्या मिलता है, ये फ्री रेडिकल, हिंदी में इसको मुक्त मूलक कहा जाता है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, किसी ना किसी के साथ में क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा। क्यों रिएक्शन करेगा, इसका कारण क्या है कि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और जब तक ये पेयर नहीं बना ले तब तक ये अनस्टेबल होती है, समझ में आ गया? इसलिए ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, समझ में आया बात? फ्री रेडिकल कहा जाता है। क्लियर? यस सर। थोड़ी सी और समझ लेते हैं। मान के चलिए आपके पास में क्या है, Cl2 है। क्या है, Cl2। तो ये Cl और ये Cl के बीच में क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन और इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग किए हुए हैं, साझा किए हुए हैं,
और साझा करने से किसका निर्माण हुआ है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ है। जब ये बॉन्ड फ्यूज हो जाए, टूट जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस से किसके पास, इस क्लोरीन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस से इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। और किस तरह से आपको क्या मिलेगा, Cl फ्री रेडिकल प्लस और एक Cl फ्री रेडिकल, यानी कि आपको दो Cl फ्री रेडिकल मिल जाता है। समझ पा गया? Yes, sir. बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स बच वहां पे रिलीज होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनका था उन्हीं के पास में चला जाए, तो इस प्रकार का बॉन्ड फिजन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहा जाता है। क्लियर बात? Yes, sir. चलिए हेट्रोलाइटिक में चलते हैं। ठीक, हेट्रोलाइटिक में क्या घटनाएं घटेगी उसको भी समझ लीजिए कि मान के चलिए ए है और ये है आपका क्या बी, दो अलग अलग एटम है, दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। सिंगल बॉन्ड कब बनती है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करते हैं। क्लियर? यस सर। अगर ये बॉन्ड टूट जाए बीच में, समझिएगा पॉइंट को, बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए, तो ये ए का इलेक्ट्रॉन्स भी किधर चला जाए, बी की ओर चला जाए। यहां पे कहानी दूसरा थी, ए का इलेक्ट्रॉन्स ए की ओर, बी का इलेक्ट्रॉन्स बी की ओर। लेकिन हेट्रोलाइटिक में क्या हो रहा है कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो ए का इलेक्ट्रॉन्स भी किधर चला जाता है, बी की ओर चला जाता है। मतलब क्या हुआ कि ए अपना एक इलेक्ट्रॉन को बी को दान कर दिया। अब इस केस में क्या बनेगा, ए इलेक्ट्रॉन्स को दान किया तो दान करने वाला में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस बी के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो यहाँ पे कितना बढ़ी, तो एक तो अपना था और एक ले लिया, मतलब इसको पेयर मिल गया। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको नेगेटिव चार्ज करते हैं, और इस प्रकार का बॉन्ड फ्यूजन क्या कहलाता है आपका, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। समझवाया? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? चलिए ध्यान से देखिएगा आगे एग्जाम्पल। आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है, Cl है। ठीक? Yes, sir. तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड फ्यूज हो जाए, बॉन्ड बिदल जाए यहां पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाए, क्लोरीन के पास, तो क्या बनेगा आपका CH3, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, प्लस क्लोरीन का यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगी। बात पकड़ में आया होगा? Yes, इस प्रकार का बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। डाउट है? अब कुछ और घटनाएं को हम लोग समझते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, डिस्प्लेस हो। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन yes, क्या हो, डिस्प्लेस हो। ये बात समझ में आया? होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस। समझिएगा क्या घटनाएं घटी। पहला नंबर, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर गया था ना, तब क्या बना था बताइए, तो ए प्लस और बी में माइनस बना था। ये आप पढ़ चुके हैं अभी। ठीक, आगे चलिए दूसरा नंबर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाए, तो क्या बना था, ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल। इस केस में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। ये दो चीज आप पढ़ के रखे हैं। क्लियर? यस सर। ये भी हो सकती है, पॉइंट नंबर थ्री में आइए, ए और बी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हुए हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए,
इसका ये मतलब हुआ कि इस केस में दो इलेक्ट्रॉन ए का है और दो इलेक्ट्रॉन बी का है। समझ पा रही है? अगर ये ए का एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बी की ओर चला जाए तब क्या मिलेगा आपको? ए प्लस चार्ज, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? बी को। एक हमारा सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, क्या लग जाएगा? सिंगल बॉन्ड बी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? दो, एक अपना और एक ए का, और इसमें क्या चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। ये विघटन कार्य घटेगी। समझ पा रही है? ये नहीं समझ पाएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी हार्ड हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए, तीसरा फोर नंबर पे चलिए। ए के पास में लोन पेयर है, समझिएगा, सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ी हुई है? बी से जुड़ी हुई है, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए चला आए, किसका? ए का, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दान कर रहा है, और ये दान किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स को बी ग्रहण कर रहा है ना, तब भी तो बॉन्ड बनेगा। तो इस दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास में डबल मतलब लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये दान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? बी को, और एक अपने पास रखेगा, और क्या बन जाएगा बीच में? डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड तो है आपके पास, तो बताइए क्या बनेगा? ए डबल बॉन्ड बी, तो बी को इलेक्ट्रॉन्स मिला, इसमें कैसा चार्ज आ गया? प्लस, और दिया कौन इलेक्ट्रॉन को? ए, इसलिए ए में कैसा चार्ज आ जाएगा? क्लियर? आगे चलिएगा और पांच नंबर। ये घटनाएं भी घट सकती है कि ए के पास में क्या हो? डबल बॉन्ड और पहले से ही नेगेटिव चार्ज हो। ए के पास में एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक नेगेटिव चार्ज हो, और सिंगल बॉन्ड के साथ में किसके साथ जुड़ा हुआ हो? बी के साथ जुड़ा हुआ हो। समझे कि पॉइंट को? यस सर। अब इसका जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला आए बॉन्ड बनाने के लिए, क्या बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या घटनाएं घटेगी? ए आपका क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे दान किया ना, तो ए में कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज तो आया, लेकिन ए में पहले से कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। प्लस और माइनस के मिलने से दोनों क्या हो जाएगा? वहां पे नलिफाई हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। एक बार फिर से, आपके पास में ए एक एटम है, इस एटम में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स है, और साथ में एक नेगेटिव चार्ज भी है। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए आ जाए, डबल बॉन्ड पॉसिबल कब है? जब ए एक इलेक्ट्रॉन्स को बी को दे दे और एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखे, तभी संभव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को बी को दिया तो ए में कैसा चार्ज आया? प्लस चार्ज। और पहले से इसमें कैसा चार्ज? माइनस। प्लस और माइनस मिलेगा तो दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। मतलब ए में अब किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। अब बात पकड़ी? तो इस केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड तो बनेगा और बी में आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बी को तो इलेक्ट्रॉन मिला। समझी? हो गया। छठा पॉइंट समझिएगा, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। ठीक, यहां पे क्या हुआ कि यहां पे ए का एक इलेक्ट्रॉन है, बी का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे बी का दो इलेक्ट्रॉन और सी का दो इलेक्ट्रॉन। ठीक, हम पढ़ रहे हैं क्या? बॉन्ड फिजर, यानी कि बॉन्ड का टूटना। अगर ये बॉन्ड किसका? बी और सी के बीच का जो एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड यहां पे चला आए डबल बॉन्ड बनाने के लिए,
तब क्या घटनाएं घटेंगी उसको भी ध्यान से देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बी का, ये तो बी का ही है yes, लेकिन सी ने अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, ए को दिया, तभी यहां पे आपका डबल बॉन्ड बन सकता है yes, yes, सिंगल बॉन्ड तो है, बी के पास में अपना इलेक्ट्रॉन है लेकिन सी ने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दान दिया, ए को दान दिया। तो कैसे बना ये ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी बनेगा yes, तो सी ने अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, ए को दिया, तो सी में कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और ए में कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, चार्ज। ये भी घटना है कभी डाउट तो नहीं है हो गया yes, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सेवन ए डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन्स पेयर सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, समझिएगा इस पॉइंट को। यहां पे क्या हुआ है उसको भी समझिए, यहां पे ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन, इधर बी का दो इलेक्ट्रॉन और सी का दो इलेक्ट्रॉन। अगर ये बी अपना ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दे, सी को दे दे, तब क्या घटनाएं घटेगी उसको भी ध्यान दीजिएगा। ए एक आपका पेयर इलेक्ट्रॉन बाकी है सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा बी, ये बी अपना इलेक्ट्रॉन्स को दिया किसको, सी को, तो बी में कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और सी में कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये देखिए डबल बॉन्ड क्यों लगेगा, डबल बॉन्ड यही वाला इलेक्ट्रॉन को तो दिया, ऊपर में देख रहे हैं आप एक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कार्बन का है मतलब सी का है, और ये इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, तो बी ने दिया इसलिए बी में प्लस चार्ज, सी ने ले लिया इसलिए माइनस चार्ज। बात पकड़ में आया yes, नहीं समझी, आया समझ में, आगे चलिए और थोड़ी सी इसका इवेंट को समझिएगा। अगर ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाए डबल बॉन्ड बनाने के लिए ठीक, तो डबल बॉन्ड कम पॉसिबल है जब आपका एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाए, बी के पास चला जाए, और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास रहे, तभी आपका डबल बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस केस में क्या होगा उसको भी समझिएगा कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिया, बी को दान दिया, तो ए में कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज, और यहां पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, और बी में कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अभी आया कि नहीं आया, और पहले से क्या चार्ज था, प्लस चार्ज, तो प्लस और माइनस मिलके वहां पे क्या हो गया, न्यूट्रल, मतलब वहां पे अभी कोई चार्ज नहीं होगी, लेकिन सिंगल बॉन्ड सी इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। आ रहा है समझ में yes, sir. क्लियर yes, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, क्या होगा उसको भी समझिएगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है yes, सब जगह इलेक्ट्रॉन है yes, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाए यहां पे चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स डी के पास चला जाए तो क्या होगा बताइए, समझिएगा बड़ी बारीकी से, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर ये इसके पास चला जाए, समझ रही है किसके पास चला जाए, सी के पास जा रहा है, बी का तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन्स है, किसके पास जाएगा ये, सी के पास, तो क्या बनेगा आपके पास में, ए ने तो दान किया मतलब इसमें प्लस चार्ज आ गया, यहां पे कैसा बॉन्ड बच गया, सिंगल बॉन्ड, बी ये बी का ही इलेक्ट्रॉन है yes,
इन्होंने सी को इस इलेक्ट्रॉन को दिया, समझ रही है? सी को दिया मतलब बी और सी के बीच में कैसा चार्ज आ गया, मतलब बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और सी में अभी कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को सी को दिया। ठीक, अब सी ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, डी को। इलेक्ट्रॉन अगर सी डी को दे रहा है तो फिर से सी में कैसा चार्ज आने वाला, प्लस चार्ज, और पहले से कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पे ये क्या होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है, और यहाँ पे बॉन्ड क्या लग जाएगी, सिंगल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी, और यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन साथ में माइनस चार्ज। क्या बात पकड़ में आया, डाउट है, कंफ्यूज में नहीं रहना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या, बॉन्ड फ्यूजन। बेसिकली कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, होमोलाइटिक और हेटरोलाइटिक। होमोलाइटिक किसको कहते हैं, कि दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पास चला जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटरोलाइटिक किसको कहते हैं, बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की ओर शिफ्ट हो जाए, तो इस तरह से एक में प्लस चार्ज और एक में माइनस चार्ज आ जाता है, हेटरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। और इसी का हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस देखें, और इसी के पे हमारा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन होता है इसी पे खड़ा हुआ है, कि कहां पे जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा और कहां पे टूटेगा। अगर आप ये अच्छी से समझ गए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कभी भी पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा इंटरमीडिएट। क्या नाम है? इंटरमीडिएट। समझिएगा इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, उसको जब हम क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के बीच में कुछ पदार्थ का निर्माण होता है जो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से बताएं। केमिस्ट्री में जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन के दौरान बीच में कुछ अस्थाई पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं, जो बाद में प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ समय के लिए क्या बनता है, अस्थाई पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहा जाता है। समझी बात को? यस सर। तो चलिए अगला टॉपिक इंटरमीडिएट की ओर। इंटरमीडिएट डलेट ऑफ डल दिए, हम यही पे लिख देते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बीच में अस्थाई तौर से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट कहलाती है। तो चलिए लिख देते हैं इसको भी, इसका डेफिनेशन पहले, ड्यूरिंग द केमिकल, समझी होगी, बीच में बनता है, ठीक। और ये इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं, इंटरमीडिएट आपका हो सकते हैं पहला नंबर पे फ्री रेडिकल। क्या हो सकते हैं? फ्री रेडिकल, ठीक। दूसरा आपका हो सकते हैं कार्बो केटायन। दूसरा क्या हो सकते हैं? कार्बो केटायन। कार्बो केटायन का मतलब समझ में आता है कि कार्बन में प्लस का आना, कार्बन पे प्लस का आना, समझ में आ गया? जैसे कि हम इसका एग्जांपल छोटा सा देना चाहेंगे, मान के चलिए कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है, Cl से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किधर चला जाए,
क्लोरीन के पास चला जाए तो आपको CH3 यहाँ पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और Cl में माइनस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो दिखाई दिया यही आपका क्या कहलाता है, कार्बो कटायन कहलाता है। और ये कब बनती है, रिएक्शन के बीच में बनता है ऐसा पदार्थ, इसलिए ये सबको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है। समझ पाई? चलिए तीसरा नंबर आपका क्या बन सकता है, कार्बो एनायन। कार्बो एनायन का मतलब समझ में आता होगा कि यहां पे प्लस है वहां पे क्या आ जाए, माइनस आ जाए, कार्बो एनायन कहेंगे। ठीक, दूसरा चीज कार्बिन्स, फोर नंबर में कार्बिन्स। कार्बिन किसको कहते हैं उसको समझिए कि कार्बिन्स में हमारा चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनफेड होते हैं, लेकिन इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ा हुआ हो और दो फ्री रेडिकल रूप में बचा हुआ हो, इस प्रकार का अगर कहीं पे आपको इंटरमीडिएट दिखाई दे तो उसको किसके नाम से जानेंगे, कार्बिन्स के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया? यस सर। हो गया? यस सर। चलिए फाइव नंबर, नाइट्रीन। नाइट्रीन नाइट्रोजन से बना हुआ है। नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल आप लोगों को पता होगा है। अगर इसमें भी इस तीन आपका फ्री रेडिकल है यहां पे, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन में से एक अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो और दो अनपेयर हो, और इस प्रकार का आपको रिएक्शन के बीच में दिखाई दे उसको किसके नाम से जानेंगे, नाइट्रीन के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया? यस सर। और बेंजाइन के बारे में तो आप जानते हैं, आपको छठा क्या मिलने वाला है, बेंजाइन। तो ये था आपका क्या, फ्री रेडिकल। समझ पाई? चलिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हमारे पास में Cl और Cl के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है। कैसा बॉन्ड फ्यूजन हो, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिसका है उसी के पास चला जाए, तो क्या होगा आपको, Cl प्लस Cl, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल कहते हैं। हम इसको डिटेल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, क्लियर? यस सर। आगे चलिए, सी ये एच, ये भी एच, ये ध्यान से देखिएगा, एच यहां पे हम क्या लगा दें, एच की जगह में सी ए लगा दें। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का किधर चला जाए, क्लोरीन के पास, तो हम क्या शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं, सी एच प्लस प्लस सी एल माइनस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बो केटायन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, कार्बो केटायन। बात समझ में आया? यस सर। और आगे समझिए, H C सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, H H। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को भी, अगर ये देख रहे हैं ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाए, इस कार्बन की ओर चला जाए। समझ में आ रहा है? yes, sir. तो क्या बनेगा बताइए, yes. क्या बनेगा इस केस में, ध्यान से देखिएगा, CH3O वो है ना आपके पास, yes, sir. यहां ना कौन टूटा है, yes. तो O तो साथ में जाएगा, yes, यहां पे इलेक्ट्रॉन घटा या बढ़ा, इस कार्बन की ओर बढ़ा, बढ़ा मतलब इसमें माइनस चार्ज और इसमें प्लस चार्ज, इसको क्या कहेंगे, कार्बो एनायन, इसको क्या कहेंगे, कार्बो केटायन कहेंगे। ये बात आपको बखूबी समझ में आता होगा। यस सर। ठीक, यस सर।
और दूसरी चीज समझ लीजिए, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड NH सोडियम के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक। अगर ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स किधर चला है, कार्बन की ओर चला है, तो क्या मिलने वाला है आपको? CH3 इसमें माइनस चार्ज और Na में प्लस का चार्ज, तो ये आपका क्या बना? कार्बन एन आयन, यानी कि कार्बन के ऊपर में नेगेटिव का चार्ज, उसको एनायन कहते हैं, और अगर प्लस है तो कटायन कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव। तो हमको लगता है कि आपको इंटरमीडिएट भी समझ में आ गया होगा। डाउट है? नो सर। तो चलिए केमिस्ट्री को यहीं पे आज के लिए खत्म करते हैं, कल फिर से हम इसका डिटेलिंग करेंगे एक एक करके, ठीक है? यस सर।